हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ व्रत में बनने वाले जीरा आलू, जिनको आप फटाफट 5 मिनट में बनाकर खा सकते हैं और ये काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल इंडियन भोज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हमने 5-6 आलू को उबाल कर उन्हें छील कर इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। अब हमें इन्हें फ्राई करना है, तो उसके लिए हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम 1 बड़ा चम्मच जीरा इसमें चटकने के लिए डाल देंगे। जैसे ही हमारा जीरा चटक कर तैयार हो जाएगा, हम इसमें कुछ हरी मिर्च जो हमने पहले से काट कर तैयार रखी है उसको डाल लेंगे। हरी मिर्च को मैंने पहले ही काट लिया था, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। गैस फ्लेम हमने यहाँ बिल्कुल लो रखा है ताकि हमारा जीरा और हरी मिर्च जल ना जाए। इनको भूनने के बाद जो हमने आलू उबले हुए आलू काट कर रखे हुए थे उनको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इनको जीरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें फ्लेम को लो ही रखना है। जैसे ही जीरा हमारे आलू के साथ मिक्स हो जाएगा, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है, या यूँ कहिए स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक। और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ये घर की कुटी हुई है। अगर आप व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि सारे मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा कटोरी हरा धनिया काट कर रखा था, उसको भी मैं इसमें डाल लूँगी। हरा धनिए से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए हरे धनिए को आप ज़रूर डालें। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, इसको भी व्रत में खाया जाता है और इससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए इसको आलू के साथ मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करें। अब सारे मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं, इसको मैं अब कवर करके रख देती हूँ। 2 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो आपस में आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 मिनट के लिए ही पकाएं। 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारे आलू बनकर तैयार हैं। आलू बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं गर्मा गर्म। एक प्लेट में मैं इनको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इनका कलर भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप फास्ट में इन्हें फटाफट बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इनको दही खटाई किसी के भी साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।